बच्चों सारे लाइन में लगो, लाइन में ही लगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ चलो लाइन में लगो। हाँ भाई क्या चाहिए? ग्रेंडी, ग्रेंडी, दो समोसे दे दे और चटनी पेश कर दियो। चटनी बट्टी नहीं है, 10 रुपए। हाँ ये चलो ठीक है। अभी क्या चाहिए? ग्रेंडी थोड़ी दे दे, चटनी बोतल नहीं है, 10 रुपए। ग्रेंडी ग्रेंडी दो समोसे दे दे, ये लो। बासी तो नहीं है? बासी माल नहीं रखती मैं, लेना है तो ले वरना जाके अपनी माँ से बनवा गरम गरम समोसे। हाँ तुम तो खावा है, नाराज हो गए को खा रहा। चल जल्दी कर जल्दी कर, वाला जूस लेना। जूस खत्म हो गया है, कल आऊंगी। तो पानी की बोतल ही होगा? पानी भी नहीं है ना, पानी है ना जूस है, तुम भी ना। जल्दी करो जल्दी, ब्रेक खत्म हो जाएगी। तू ऐसे क्यों खड़ा है, क्या चाहिए तुझे? आटा तो खत्म है, चलो आदिल के लिए पराठा तो बन ही जाएगा। अम्मा जल्दी करो, मैं फिर स्कूल से लेट हो जाऊंगा। ला रही हूँ ला रही हूँ। ये लो पानी पिया तूने? ठहर जा, बहुत गर्म है। हाँ हाँ मैं तोड़कर देती हूँ। पानी पिया कि नहीं? नहीं। कितनी बार कहा पानी पी लिया कर। शाबाश। अम्मा तुम नहीं खाओगी? अरे नहीं, मेरा रोजा है। अभी तो तुम पानी पी रही थी। वो तो गलती से पी लिया मैंने। तो फिर तो तुम्हारा रोजा टूट गया ना? गलती से पीने से नहीं टूटता। झूठ बोल रही हूँ? अरे क्यों झूठ बोलूंगी तुझसे मैं? आटा खत्म हो गया ना अम्मा? हाँ खत्म हो गया, घर में खत्म हुआ, बाजार में खत्म नहीं हुआ। तू फिक्र ना कर, तू नाश्ता कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ले आऊंगी मैं बाजार से। अम्मा गरीब क्यों है, कितने सवाल करता है तू? चुपचाप नाश्ता कर और फिर तू तैयार हो जा, यूनिफॉर्म पहन ले, स्कूल जाना है। अम्मा हमारे हालात कब ठीक होंगे? जब तू पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा। चल अब तू नाश्ता कर, ज्यादा बातें ना कर। मैं तेरा बस्ता तैयार करती हूँ और हर आधे घंटे के बाद तूने पानी पीना है, समझा? चलो ठहर जा। अम्मा तुम ये कालक क्यों लगाती हो? सारे लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे रहने दे, जो मजाक उड़ाता है ना उसे उड़ाने दे। हाँ इनका काम क्या है? और मुझे बहुत बुरा लगता जो तेरा मजाक उड़ाते हैं ना उनको पागल समझा कर। बस अम्मा तुम कालक लगाती क्यों, बताओ ना जरा। ताकि तुझे नजर न लगे, पढ़ाई में अच्छा है ना, अगर नजर लग गई किसी की तो तू बड़ा आदमी कैसे बनेगा? ये ठहर जा, ये पकड़ पानी की बोतल, हर आधे एक घंटे के बाद तुझे पानी पीना है लाजमी। तुम हर बार यही कहती हो। हाँ उबला हुआ पानी ठंडा करके दे रही हूँ, नलके का पानी ना पीना। अम्मा इतना सारा पानी पीता हूँ ना तो बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, टीचर समझती है माना बना रहा मैं। अरे पानी पीना गुर्दों के लिए बहुत अच्छा होता है, ना सुना कर दूसरों की बातें। हाँ टीचर कहती है तो कहने दे। अच्छा तू स्कूल से ना सीधा घर आना, तेरा खाना रख के जाऊंगी मैं, मुझे जरा बाजार तक जाना है, कैंटीन का कुछ सामान लेना है। कैंटीन का? अच्छी तरह पढ़ाई करना है, तूने बड़ा आदमी बनना है। शाबाश, पानी पीना नहीं भूलना। हाँ अल्लाह हाफिज। इधर तो आ।
बड़े नखरे हो गए कुकड़ी के। मैंने तुझे कहा था कि उससे भेज देना, उसी के फायदे का काम था, कपड़े सिलवाने थे उससे, पर वो ऐसे आई नहीं। हालांकि मैं भूल गया था अम्मा को बताना। अब यहाँ से बता देना, मैं तो कपड़े किसी और को दे दूंगी। वैसे भी कुबड़ी को मैं पैसे देती हूँ, को मुफ्त नहीं सिलवाती उससे कपड़े। हाला आप खुद ही दे दो मेरे कपड़े। क्यों भाई, तेरी अम्मा के पैरों में क्या मेहंदी लगी है जो वो आ नहीं सकती? पहले तो बड़ा भाग भाग के कह रही थी बाजी कोई काम है तो बताओ। वैसे भी मैं देख रही हूँ कुबड़ी के नखरे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हाला ये बात नहीं है, अम्मा ने स्कूल में कैंटीन खोली है। वाह वाह, तेरी अम्मा तो बड़े नोट छाप रही है, लगता है अब उसे पैसों की जरूरत नहीं। हाला मैं जाऊँ, स्कूल से लेट हो रहा हूँ मैं। चल चल जा, और याद से बता देना अम्मा को। अच्छा बता दूंगा। अबे ओ कुपड़ी के लोंडे, अबे ऐसे क्या देख रहा है? इधर आ। खेलेगा? नहीं, मैं भी अभी स्कूल से आया हूँ, बस रख कर आता हूँ। ये क्यों नहीं कहता कि कुकड़ी से मिल के आ रहा हूँ? यार तुम लोग मेरा नाम नहीं ले सकते? नहीं। चल 10 मिनट खेल ले, पहले बैटिंग कर ले। लादे बोले आउट हो गया। पहले तो ये बता ऐसा क्यों था? जब तू बैटिंग करने के लिए झुकता है ना तो बिल्कुल अपनी अम्मा की तरह लगता है कुबड़ी। बार का सीधा घर आया कर, कहीं खेलने में लग गया होगा। खबर लेती हूँ मैं इसकी। अरे बाजी सलाम बाजी। ज्यादा सलाम दुआ करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तेरे लौंडे की शिकायत लेकर आई हूँ। आदर की शिकायत? नहीं तुम्हें गलतफहमी हुई है। हाँ हाँ, तेरे लौंडे तो बड़ा दूध का झूला है ना। पर किया क्या है उसने? जरा उसको बाहर बुला, फिर बताती हूँ क्या किया उसने। देख मेरे जिगरान का सर फाड़ दिया उसने बैट के साथ, चार टांके लगे पूरे। हाय अल्लाह। ज्यादा हाय अल्लाह करने की जरूरत नहीं है, मैं कहती हूँ उसे बाहर निकाल। वो तो जी स्कूल से वापस ही नहीं आया अभी तक। देख खुपड़ी, कितने एहसानात किए मैंने तुझ पर, पूरे मोहल्ले की औरतों के कपड़े इकट्ठे कर करके तुझे आदत देती रही ताकि तेरे चंद दिन सुकून से गुजर गए, और तू ये सुना दे रही है मुझे उसका। फिक्र न करे बाजी, वो आएगा मैं उसकी खबर लूंगी। ज्यादा बाजी बाजी की रट लगाने की जरूरत नहीं है, देखा जाए ना तो 2-4 साल तुझसे छोटे ही निकलूंगी। आप ठीक कह रही हैं, अभी आप गुस्से में ना गुस्सा ठंडा कर ले। देख ले कुपड़ी, मैं तेरे लौंडे को माफ करने वाली नहीं। वो तो शुक्र कर जिब्रान का बाप थाने जा रहा था रबर दर्ज कराने, मैंने तुझ पर तरस खा के उसे रोक लिया, अब तो सीधा पर्चा ही होगा। नहीं 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 बाजी, देखो ये बच्चे तो आपस में लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं, थाने रपट की जरूरत नहीं है। देखना मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। बस बहुत दफा तूने माफिया मांगी और बहुत दफा मैंने तुझे माफ कर दिया, अगर अब मैंने तुझे इस मोहल्ले से ना निकलवाया तो मेरा नाम भी शहनाज परवीन नहीं, समझी? भाजी सुनो तो, ये क्या किया तूने? ये क्या कर दिया तूने? किधर चला गया तू? घर तो आ जा। देखना छोड़ूंगी तुम्हें उसको घर के। अरे महक परवीन, क्या हुआ? लौंडे को सर फट गया, पट्टी बंधी हुई है। दी अम्मा, मेरा नाम मेघ परवीन नहीं शहनाज परवीन है। देख अब तो मेरी यादाश्त कम होती जा रही है, जमाने के इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, कुछ याद ही नहीं रहता मेरे को।
तेरे लौंडे को क्या हुआ, ये पट्टी बंधी है सर पर? क्या बताऊं भी अम्मा, मोहल्ले में एक दहशत गर्द पैदा हो गए। हाँ, जरूर शेखू का बेटा होगा, वही दहशत गर्द बना फिरता है। उसका नहीं भी अम्मा, ये कुबड़ी के लौंडे का काम है। कुबड़ी का लौंडा? अरे नहीं, वो तो बड़ा नेक लड़का है। भी अम्मा, मैं थाने जा रही हूँ रपट लिखाने। पहले दो चार ठंडे पानी के गिलास पी ले, तो इस वक्त गुस्से में लाल पीली हो रही है। दी अम्मा, अब मैं मजीद बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ, और तुम भी ना कुबड़ी और उसके लौंडे पर तरस खाना छोड़ दो। अच्छा तुम पहले दो घड़ी है, मैं पास तो बैठ रहा। चलो बैठ जाती हूँ। परवीन मेरी बात सुन, ए बच्चों के मामले में इतना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। मैं खुद कुबड़ी से बात करूंगी, ये मोहल्ले की बात है, मोहल्ले में रहने दे। तुम कहती हो भी अम्मा, तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, वरना मैं थाने जा रही थी रपट लिखवाने। अब पान खाएगी? नहीं भी अम्मा, तुम्हारे पान से हमेशा मेरा मुंह कट जाता है। अच्छा मैं चाय बना के लाती हूँ तेरे। नहीं नहीं, बस मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखा करो। अच्छा चला भाई।